मुख्यमंत्री नारायण सिंह ने पंचायत सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि 10 दिन में दूसरी बार सरपंचों से मिलने का मौका मिला है। गांव के विकास की गति तेज हो, ऐसा हमारी सरकार का लक्ष्य है। 2014 में पंचायतों का बजट 600 करोड़ था, जिसको 2024 में बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए किया गया। हमारी सरकार की सोच हर गाँव में बने कम्युनिटी सेंटर, पंचायतों को हाई टेक बनाने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति की जाएगी। हमारी सरकार द्वारा अंतर जिला परिषदों का भी गठन किया गया। हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए आज 2400 करोड़ रुपए जारी किए। गांव और शहरों के विकास के लिए 900-900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पॉइंट को मैं ब्रीफली बताऊंगा, उनकी सरकार का भी और हमने क्या किया है उसका भी पूरा बताऊंगा। हमने हमने दिया है अपने पुलिस अधिकारियों को, वो लगे हुए हैं, जो भी क्राइम करेगा वो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाईकोर्ट के बाद से दूसरा भी जो है बात सामने आ रही है, शंभू का जो है हरियाणा सरकार खाली कर रही है, इसके निकल के आप क्या कहेंगे? देखिए अभी मुझे इसकी सूचना अभी कुछ देर पहले ही मिली, अभी क्योंकि मैं वो सारा देखूंगा क्या मामला है। माननीय कोर्ट का ये जो फैसला है वो सर्वमान्य होता है, उसके अंदर कोई वो नहीं है, परंतु लाइन ऑर्डर की व्यवस्था को देखना ये सरकार की जिम्मेवारी है, लाइन ऑर्डर को मेंटेन करना भी ये हमारी जिम्मेवारी है। तो वो सारी बातें हैं। किसानों से कोई अपील करेंगे सर? हम लगातार दोनों बीच का रास्ता निकल जाए, आप बोल दे और वो घर चले जाओ। नहीं देखिए, हम ये लगातार कह रहे हैं, ये परिवार एक मेरा घर है, उस घर में अगर मैं चाहूँ आज ही एक दिन सोचूँ कि मैं बड़ा मकान भी बना दूँ, बड़ी गाड़ी भी खड़ी कर दूँ, वहाँ एसी भी लगा दूँ, वहाँ पर फ्रिज भी लगा दूँ, ये शायद एक समय में संभव ना हो, धीरे धीरे संभव होता है। ये सब की परिस्थितियाँ ऐसी, हर घर की परिस्थितियाँ ऐसी हैं। ये देश भी हमारा घर है, हमारा परिवार। हमने कहा भी, हमारे मंत्री लगातार वार्ता करते रहे और आज भी बातचीत कर रहे हैं। कई ऐसे विषय होते हैं कि वो आज नहीं पूरे होंगे तो कल होंगे। आज किसान की जो मजबूती के अंदर कदम उठाए जा रहे हैं, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। जब तीसरी बार मोदी जी ने शपथ लिया, शपथ लेते ही जब वो अपने ऑफिस के अंदर बैठे जा करके सबसे पहले जो कलम चली, वो कलम वो किसान के वेलफेयर के लिए चली, किसान की मजबूती के लिए चली। आप लोगों के सामने कितने ही उसके मन के अंदर किसान के उत्थान के लिए पीड़ा है कि मेरा किसान मजबूत हो, परंतु कांग्रेस तो राजनीति कर रही है। उसने जो चार सीट ले रहा था उसके अंदर बताना चाहिए था भूपेंद्र हुड्डा ने, उसने ये बताना चाहिए था कि जो स्वामीनाथन ने कहा था कि किसान की आय बढ़े, और उस कमेटी का ये चेयरमैन था ना, मेरे तो पता नहीं, चेयरमैन था ये, उस कमेटी का चेयरमैन था, उस कमेटी ने रिपोर्ट भी दी भी किसान की आय बढ़नी चाहिए, तो इसको पूछ भी लेना चाहिए। तेरी केंद्र में भी सरकार थी, प्रदेश में भी सरकार थी, चार सीट तो लेके आ गया ये है, पर इसको पूछना चाहिए। कहते उस टाइम क्या किया आपने?